आगे बढ़ते हुए कोलकाता रेप और हत्या मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होने वाली है। आदेश के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की गई। बंगाल सरकार रिपोर्ट अपने पास रखे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका। हाईकोर्ट ने कहा पीड़ित की पहचान उजागर करना चिंताजनक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह कैसे हो गया कि उस लड़की की पहचान सबके सामने आ गई और यह वाकई गंभीर है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया से लड़की की तस्वीरें, वीडियो, जो जो जहां जहां पर हैं, नाम, सब कुछ हटाया जाए। आदेश के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की गई है। बंगाल सरकार का कहना रिपोर्ट अपने पास रखें, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका, हाईकोर्ट ने कहा। तो देखिए, लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस बीच कोलकाता रेप और हत्या मामले में ये बड़ा अपडेट है। मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है। आदेश के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की गई है, बंगाल सरकार ने कहा। रिपोर्ट अपने पास रखें, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, हाईकोर्ट ने यह बात कही। तो देखिए, इस पूरे मामले में बंगाल सरकार की खूब फटकार भी लगी है, कार्रवाई में देरी को लेकर और घटनास्थल पर हमला कैसे हुआ इसको लेकर कई मामलों में इस वक्त बंगाल की सरकार सवालों के घेरे में है। कोलकाता रेप और हत्या मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई थी, फिलहाल वो टल गई है और मामले की अगली सुनवाई होगी 4 सितंबर को। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी सुमित का। सुमित, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, यही वजह रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि पूरे मामले की स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और न्यायिक अनुशासन यही कहता है कि जब ऊपरी अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है तो निचली अदालत को जो है वो सुनवाई नहीं करनी चाहिए, यही न्यायिक अनुशासन है और जिसके चलते हम इस मामले की सुनवाई 4 सितंबर के लिए टालते हैं। तो अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए टाल दी है, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल दोबारा सुनवाई करने वाला है। इस लिहाज से कलकत्ता हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का जो आदेश है फिलहाल ना दिया है, ना ही सुनवाई की है। आज हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कई आदेश दिए हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, सुनवाई कर रहा है, या बेहतर है कि कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। जहां तक पीड़िता के फोटोग्राफ्स और तमाम पहचान हटाने के जो आदेश दिए गए थे कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी दिए गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो बेहतर होगा कि नाम हटाया जाए। तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार एक रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सबमिट करना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में ही पश्चिम बंगाल सरकार रिपोर्ट रखे। तो फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के चलते सुनवाई को टाल दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई में होनी है और पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है और कल एक अहम सुनवाई होगी कि ये पता चल पाएगा कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ जांच की है, क्या कुछ स्टेटस रहा है इस केस का, ये जानकारी सीबीआई को देनी है। साथ ही कोलकाता पुलिस को भी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि 14 अगस्त को जिस तरह से अस्पताल में तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी उस पर भी कलकत्ता पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट मांगी है। तो दोनों जांच एजेंसी, आप कह सकते हैं कोलकाता पुलिस के साथ साथ सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कल तक सौंपनी है और कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पूजा फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए मामले में, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चले, से सुमित ने जानकारी दी कि इस कारण से कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और अगली तारीख तय की है 4। तो अब आदेश के मुताबिक आगे जो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही हैं, एक तो उनका पालन होगा, दूसरा कोलकाता रेप और हत्या मामले में फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से मामले में सुनवाई नहीं की गई, सुनवाई टल गई है और अगली सुनवाई जो होने वाली है वो आने वाली 4 तारीख को होगी, यानी 4 सितंबर को। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और रिपोर्ट अपने पास रखें, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका, हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र भी किया, क्योंकि इस पूरे मामले में सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कुछ आदेश जारी किए हैं, चाहे वो टास्क फोर्स की बात हो,
टास्क फोर्स बनाने की बात हो या फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो लड़की का पूरा चेहरा, नाम और पहचान सब सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है, उस पर भी एक्शन होगा।